चौधरी केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री के शहर में आप ये गोष्ठी किया है और यहाँ से चुनाव लड़ने का आपने ऐलान किया, क्या लगता है आपको 6 बार के सांसद को आप टक्कर दे पाएंगे? पंकज चौधरी का ये शहर नहीं है, पंकज चौधरी जी गोरखपुर के रहने वाले हैं, ये हमारा गृह जनपद है। मैं परतावल पसहिया बुजुर्ग का लोकल का रहने वाला हूँ और भारतीय जनता पार्टी ये जो गोरखपुर से भेज करके वर्षों से जिलों को लूट रहे हैं पंकज चौधरी, किसी के सुख दुख में पीड़ितों के साथ खड़े नहीं होते हैं। ये चुनाव आज न्याय और अन्याय का चुनाव बन चुका है। सांसद बनने के बाद अगर किसी पार्टी की पूर्ण बहुमत की सरकार नहीं बनती है तो श्याम सुंदर चौरसिया किसके साथ जाएंगे? भैया आप झारखंड में सुने थे ना, एक तो विधायक अकेले जीता था तो कहा हम उसी के साथ जाएंगे जो मुख्यमंत्री बनाएगा, हम उसी के साथ जाएंगे जो हमको प्रधानमंत्री बनाएगा। आपको क्या लगता है जनपद महाराजगंज में चुनाव कितना मुश्किल और कितना आसान है? महाराजगंज जनपद में कुछ फाइट ही नहीं है, इसलिए नहीं है क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का यहाँ जो प्राइवेट लिमिटेड संगठन है, भाजपा का संगठन नहीं है, यहाँ पंकज चौधरी की प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है। अगर संगठन होता तो पीड़ितों के साथ खड़ा रहता, जैसे सिंदूरिया में घटना हुई है, सिंदूरिया थाने के अंतर्गत एक महिला के साथ दुराचार हुआ है, FIR दर्ज हुआ है, FIR लग गया। परसा बेनी फरिंदा थाना के अंतर्गत एक हत्या हुई है जिसको एक्सीडेंटल दिखाया जा रहा है, मैंने जिलाधिकारी को यहाँ धरना किया था और हाईकोर्ट अपील किया, अभी तक मुकदमा दर्ज नहीं हुआ। जो अपने माँ का वो बुढ़ापे का सहारा था, अभी आप देखे होंगे चौरसिया समाज को कैसे टारगेट बनाया गया, चाहे सतीश वर्मा जी की बात हो, इतना बड़े वो आतंकवादी थे क्या कि ये वो गुंडा गंगेस्टर कौन थे, उनका कर्मचारी दोषी किया और निर्दोष आदमी का नाम डाल दिया गया, डॉक्टर वीरेंद्र जी को फर्जी केस में फंसा दिया गया। श्याम सुंदर दास चौरसिया जी किन मुद्दों को लेकर के समाज के लोगों तक जा रहे हैं? देखिए जनहित किसान पार्टी इंसान और इंसानियत की बात करती है, विकास ऐसा जो सबको दिखे, न्याय ऐसा जो सबको मिले और अत्याचार के खिलाफ बुलंद आवाज। प्रोफेसर सिब्बल लाल सक्सेना जी की ये कर्म भूमि रही है और प्रोफेसर सिब्बल लाल सक्सेना जी ने उनको चुनाव हराया था, राजनारायण जी को जिन्होंने इंदिरा गांधी को चुनाव हराया था, और हमारे बैरिस्टर शिवदयाल सिंह चौरसिया जी भी इंदिरा गांधी के खिलाफ चुनाव लड़े थे और पिछड़ों के पुरोधा थे, लोक अदालत के जनक थे, जो 1974 में राज्यसभा का सांसद मशहूर के बिरला को हरा के बने थे। हम लोग उनके साक्षी मानकर उनके अधूरे सपनों को पूरा करने के लिए जनहित किसान पार्टी बनाए हैं। इससे किसान का, युवाओं का, बेरोजगार का, उनको शिक्षा में और समाज में जो है भागीदारी मिले। भारतीय जनता पार्टी जाति जनगणना क्यों नहीं करा रही है? पिछड़ों के आरक्षण खा गई, DP सिंह जी ने पिछड़ों को आरक्षण दिया और मंडल कमंडल इन्होंने कहाँ कर खत्म कर दिया, क्या आरक्षण दिया आप ये बताइए। लाला लाजपत राय ने साइमन कमीशन का विरोध किया, अब लाला लाजपत राय को अंग्रेजों ने इतना पीटा कि मर गए, उसके बाद भगत सिंह उतर गए। अब लड़ाई पिछड़ों को हक को दबाने के लिए इंडियन बनाम अंग्रेज की हो गई, इसमें पिछड़ों का दबाव जो है अधिकार दब गया। और बस सबसे बड़ा दोषी अगर किसी को मानता हूँ पिछड़ों का, उस समय पिछड़ों का नेतृत्व कौन कर रहा था? सरदार पटेल जी कर रहे थे। और आज सबसे ज़्यादा सत्ता का सुख पटेल लोग उपयोग कर रहे हैं, जिन्होंने अभी एक पटेल मंत्री था जो राजू पानवाले की हत्या कराया था, उनका मंत्रालय और विधायक सब चला गया, उनके गुर्गों ने राजू पानवाले को इकलौते लड़के को उधार खा करके और उनके गुर्गों ने हत्या कर दी। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने अपने अधिकार दलित समाज के लिए सब कुछ किया, पूरा आरक्षण मिला। आप बताइए आज़ादी से अब तक पंचायती चुनाव तक पिछड़ों को सीमित किया गया है, विधानसभा लोकसभा राज्यसभा में पिछड़ों के लिए कोई आरक्षण मिलता है क्या चुनाव लड़ने के लिए? कोई सीट रिजर्व नहीं होती है। तो सरदार पटेल जी वहाँ थे, वो राष्ट्रभक्त अपने आप को मानते थे और उन्होंने पिछड़ों की वकालत नहीं की, पिछड़ों को कुछ नहीं मिला। इस सबसे ज़्यादा पिछड़े हैं तो उनको अधिकार मिलना चाहिए ना, तो विधायकी और सांसदी चुनाव में कहीं कोई पिछड़ों के लिए सीट रिजर्व हो, बताइए। दलित भाइयों के लिए रिजर्व सीट, पिछड़ों के लिए नहीं है। जनरल के साथ हम लोग को भेज दिया जाता, जाइए उनके साथ लड़िए।
भाई हम लोग उतने दबंग और भूमाफिया और ये वो तो है नहीं, हम लोग जमीनी आदमी हैं। पिछड़ों के लिए संपूर्ण भारत में लोकसभा सीट आरक्षित होनी चाहिए।